नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारियों की हुई मौज। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि दो दो मोटे गिफ्ट दे रही है। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कौन से दो बड़े गिफ्ट मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग कर्मचारियों की हुई मौज। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि दो दो मोटे गिफ्ट देने जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों की अब लॉटरी लगने जा रही है जो किसी के भी दिल को छूने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है और उसके साथ ही रुका हुआ जो डीए एरियर का पैसा है वह अब खाते में डालने जा रही है। जी हाँ, जो कि अब कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी। दोस्तों, सरकार यह फैसला किसी भी दिन ले सकती है। इसका लाभ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को होगा। दोस्तों, समाचारों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को 15 अगस्त से पहले ही एरियर का तोहफा मिल जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के खाते में अब 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा डाल सकती है। जी हाँ, सरकार यह फैसला अगस्त के पहले हफ्ते में ही ले सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह किसी सौगात से कम नहीं होगा। इससे मोदी सरकार ने कोरोना काल से ही सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों का पैसा रोका हुआ था। यह राशि को सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के अटके कर रखा था। अब इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी लगातार इस डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने अभी तक कोई आखिरी फैसला तो नहीं लिया, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसकी जो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों का अब करेगी इंतज़ार ख़त्म, जिससे कि महंगाई भत्ते का फ़ायदा मिलने जा रहा है। सरकार ने डीए में लगभग 4% का इजाफा करना तय मान लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका ऐलान सरकार किसी भी दिन कर सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर हो जाएगा 46%, और फिर यह सैलरी खाते में बढ़कर ही आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।